की माता जी और रोहित का परिवार दिल्ली आए हैं, हम ठीक से उनका स्वागत भी नहीं कर सकते। इतनी दुख की घड़ी है, गांव से आने के बावजूद उसने कॉलेज के अंदर जिस तरह से अपना हुनर दिखाया था, ऐसे लड़के का तो देश को नाज होना चाहिए ऐसे बच्चे के ऊपर। ज्यादा दुख की बात यह है कि पूरे देश के अंदर इतने बड़े आंदोलन के बावजूद आज भी ये एक रजिस्टर हुआ है, लेकिन उन दोनों मंत्रियों से एक बार पूछताछ भी नहीं की गई है। अभी अभी ज्वाइंट एक्शन फोरम की तरफ से मुझे एक कागज दिया गया, जिसमें ये मांग की गई है कि रोहित एक्ट, ऐसा एक कानून लाया जाए रोहित को श्रद्धांजलि देने के लिए, कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी किस्म का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कानून के पूरे पक्ष में हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। मैंने पहले भी बोला था, मोदी जी स्टूडेंट से पंगे मत लेना। अगर देश के स्टूडेंट खड़े हो गए, अगर देश के स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, तो ये आपकी ऐसी कुर्सी हिलाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कल बीएचयू के अंदर गए थे प्रधानमंत्री जी, वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसा क्या हो गया कि वही युवा जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, आज 1.5 साल के अंदर देश का सारा युवा प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा हो गया था। और आजकल इन लोगों ने देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगने चालू कर दिए। कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, इसके सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये लोग। किसी को भी मार देंगे, किसी को भी पीट देंगे, जब पूछोगे क्यों मारा, कहेंगे ये भारत के खिलाफ नारे लगा रहा हूं। वकालत के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, लेकिन जिस तरह से कुछ वकीलों ने रिपोर्टर्स के ऊपर हमला किया, महिलाओं के ऊपर हमला किया, कन्हैया के ऊपर हमला किया, वो कभी भी क्षमा करने लायक नहीं है। मैं मीडिया को भी सलाम करना चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिन के अंदर जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन करके आपने दूध का दूध और पानी का पानी किया है, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद देना चाहिए। रोहित की माता जी को, उनके भाई को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि रोहित का जो संघर्ष है उसको हम मरने नहीं देंगे, अंतिम दम तक उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। भारत के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है, पूरा देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन उस आड़ में अगर आप निर्दोष लोगों को पकड़ोगे तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दोस्तों।